में तारीफ है कि ये असहाबे यमीन, ये दाएं हाथ वाले कितने अच्छे हैं, ये दाएं हाथ वाले। ऐसी ब्लॉग में नहीं आई तो ये आपकी कजन है, क्या नाम है इसका? हरीम। हरीम, चलें जी पहले हरीम से बात करते हैं फिर फातिमा की तरफ दोबारा आते हैं। हम नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, तो उनको तो मतलब टेस्ट वगैरह मिल गए थे। मैं तो और आपकी रूटीन एक लाइन है, लेकिन एक लाइन में बहुत बड़ी बात है कि बड़ों का एहतराम करें, छोटों से शफकत से पेश आएँ। जब जी व्लॉग जल्दी जो है स्टार्ट करने का मकसद कि आज नादिल जो ऊपर से आया था तंग कर रहा था काफ़ी, तो मेरे पास ना एक स्टूडेंट ने मुझे कल चॉकलेट दी थी, तो मैंने कहा नादिल आपको मैं चॉकलेट देता हूँ, तो उसने चॉकलेट खाई तो आए उससे बात करते हैं। माशाल्लाह उसकी तबीयत काफ़ी बेहतर है, तो उससे पूछते हैं क्या हालचाल है और कैसी तबीयत है। क्या हालचाल है? ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है आपकी, क्यों, क्या हुआ आपको? तबीयत खराब है। क्या हुआ है? उल्टी वाले दिन हो रहे हैं। उल्टी वाला दिल हो रहा है, तो मेडिसिन खाई है आपने? नाश्ता किया? अच्छा आपने मेरे से क्या खाया, ये देखो इसने ना मेरे से चॉकलेट ली है और ये चॉकलेट इसने खाई है ना नादिली, चॉकलेट खाई है? मज़ा आया? कैसी लगी आपको? अच्छी, वेरी यमी, सही है। तो तबीयत बेहतर है आपकी? नहीं। अच्छा सीधे होके बैठो ना, बैठा नहीं है बस ऐसे बैठना है। चलें जी, ये नादिली आया था थोड़ी देर के लिए, तो मैंने कहा चले इसको व्लॉग में ऐड कर लें। तो मौला पंचम पाक जो है वो आप सब लोग दुआ करें इसको, अल्लाह पाक जो है वो सेहत तंदुरुस्ती से जल्दी जल्दी से ठीक हो, क्योंकि आप लोग को लग रहा होगा कि ये बातों से अभी एक्टिव नहीं है, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इंशाल्लाह तबीयत बेहतर होगी, तो इसको दोबारा इंशाल्लाह व्लॉग में लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई ब्रांड न्यू व्लॉग। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो बस अभी उठा था तो नाश्ता वगैरह किया। आज हमारे अजीज़ हैं तो उनकी ना वालदा की डेथ हो गई थी पीछे, तो आज उनका जो है ना वो 40वें का ख़त्म है, तो वहाँ पे उन्होंने मजलिस रखी हुई है, वहाँ पे जाना है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, अगर सब्सक्राइब के बगैर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे लाजमी प्रेस करें, ताकि कोई भी जो है वो मतलब नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन शो हो जाए। तो बस अब रेडी होकर निकलते हैं, फिर बात होती है। में तारीफ है कि ये असहाबे यमीन, ये दाएं हाथ वाले कितने अच्छे हैं, ये दाएं हाथ वाले। वा असहाबुल मशरमते मा असहाबुल मशरमा, दूसरी किस्म वो है जिनको नामे अमाल उल्टे हाथ में मिलेगा। यहां भी मा असहाबे मा ताज्जुब का है, मगर ये ताज्जुब मजम्मत में हो रहा है कि ये दाएं बाएं हाथ में नामे अमाल लेने वाले ये कितने बुरे इंसान थे जिनको नामे अमाल उल्टे हाथ में दिया गया। और तीसरी चीज में असाबिकून असाबिकून उलाएका अलमुकर्रबून, खुदा फरमाता है सबकत हासिल करने वाले। वो क्या सबकत हासिल करने वाले थे? वो तो हमारे मुकर्रब बंदे थे। 5 hours later जी बस आज मैं खत्म पे गया हुआ था, तो उसके बाद जो है व्लॉग एड नहीं कर सका, तो क्योंकि लेट हो गया था वहाँ पे, तो एकेडमी की वजह से जो है ना वो व्लॉग मतलब कोई पार्ट ऐड नहीं हुआ। तो मैं बस आया था इब्राहिम लोगों की तरफ पढ़ाने, तो वहाँ पे फातिमा है, तो उसकी मतलब एक कज़न आई हुई है, तो कह रहे थे कि सर हमें व्लॉग में लें, तो वहीं उनसे बात करते हैं, पूछते हैं क्या हाल चाल है। हाँ जी फातिमा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? ठीक हूँ। और तबीयत से ठीक है आपकी? यस। तो आज आप कह रही थी कि सर हमें व्लॉग में लें, क्यों कह रही थी आप? वैसे ही व्लॉग में नहीं आई। व्लॉग में नहीं आई, तो ये आपकी कज़न है, क्या नाम है इसका? हरीम। हरीम, चलें जी पहले हरीम से बात करते हैं फिर फातिमा की तरफ दोबारा आते हैं। हाँ जी हरीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? ठीक हूँ। और तबीयत से ठीक है? ठीक है। अच्छा आप पहले बताएं कि आप फातिमा की क्या लगती हैं, कज़न लगती है ना? हाँ जी। तो आपका घर किधर है? नहीं पता, अपने घर का तो पता होना चाहिए आपको। फैसलाबाद में ही है? सही है। तो स्कूल जाती हैं आप? कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? प्रेप में पढ़ती हैं। किस स्कूल में? एजुकेटर सिस्टम, वेरी गुड माशाल्लाह। तो आज आप इधर आई हैं खैरियत से कि वैसे ही आई हैं वीकेंड पे? वैसे ही आई हैं। तो आप मेरे व्लॉग देखती हैं, कैसे लगते हैं आपको? अच्छे लगते हैं। तो आप कह रही थी कि सर हमें व्लॉग मिले आज? हाँ
सही है जी, बिल्कुल ऐसे ही है कि सादिया मेरी स्टूडेंट है तो वो कहती है सर मेरी बहन की बेटी आई हुई है तो वो कहती है कि सर आपके सारे बच्चों को व्लॉग में लेते हैं तो मुझे भी लें। तो बेसिकली अपनी नानों के घर आई हुई है ये, तो कह रही थी सर हमें व्लॉग में ले, मैंने कहा चलें ऐड कर लेते हैं। तो आए फातिमा से दोबारा बातचीत करते हैं। हाँ जी फातिमा, स्कूल गई थी आज? ना। क्यों? छुट्टी है। सैटरडे संडे ऑफ होता है आपका? सही है। तो आपकी स्टडी कैसी जा रही है? अच्छी। अच्छी जा रही है। तो आपकी टीचर की शादी हो गई है तो अब आप कहाँ पढ़ने जाओगी? इसमें आपके पास? सही है। तो शादी कैसी रही फिर आपकी, आपी की? अच्छी थी आप माशाल्लाह। बारात पे तो बड़ा मेहंदी पे बड़ा प्यारा लग रही थी आप, लेकिन बारात पे बस आप ऐसे ही थी, मतलब कैजुअल ड्रेसिंग आपने की हुई थी है ना। मेहंदी पे आप ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। सही है। तो मेरे व्लॉग देखती हैं आप? नहीं। लग रहे हैं अच्छे। तो कोई देखने सुनने वालों को कुछ कहना चाहेंगे आप? लाइक सब्सक्राइब करें। लाइक सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी करें। सही है। अब और कोई बात करनी है कि बस ठीक है? ओके चलें जी। ये माशाल्लाह फातिमा थी और उसकी कज़न थी, तो कह रहे थे सर हमें व्लॉग में लें, मैंने कहा चलें इनको एक क्लिप जो है वो ऐड कर लेते हैं, तो बाकी इंशाल्लाह फिर वीडियो ऐड करते हैं। चले गए हैं फातिमा और उसकी कज़न एक आई हुई थी तो वो गए हैं अभी। तो ये कि मैं निकलने लगा था तो साइम और इब्राहिम कह रहे सर हमें भी व्लॉग में लें। आज साइम का भी टेस्ट काफ़ी अच्छा हुआ है, इब्राहिम का तो आज टेस्ट नहीं था है क्योंकि कल इसकी डायरी कम्प्लीट हो गई थी, आज इसको स्कूल से ऑफ था। तो इस्माइल साहब आज छुट्टी पे हैं, उसने ज़रा तंग किया तो मैंने कहा चलो आप बाहर आज छुट्टी करो, वो मंडे को पढ़ेगा। तो आए साइम से बातचीत करते हैं क्या हाल चाल है उसका और इसके एग्ज़ाम किस तरह के चल रहे हैं। हाँ जी साइम क्या हाल चाल है? ठीक है अल्लाह का शुक्र। आपसे? अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक ठाक। आपके स्केजुअल टेस्ट कैसे चल रहे हैं? बहुत अच्छे चल रहे। घर पढ़ते भी हो कि नहीं? जी पढ़ता हूँ। सही है। तो कोई टेस्ट आपको चेक हो गया वापस नहीं मिले? नहीं सर जी अभी नहीं मिले हैं, हम थोड़े दिन तक मिल जाएंगे, दो दिन नहीं। बेटा मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनको तो तीन चार टेस्ट मिल गए हमें वापस, आपको क्यों नहीं मिले? बेटा आपके स्कूल के नहीं लेकिन कैंपस मतलब डिफरेंट है लेकिन स्कूल आपका ही है, इस्लामिक साइंस फाउंडेशन ही है। वो फिर 9th क्लास के होंगे, 10th क्लास के नहीं? ये हो सकता है, मेरे ख्याल 9th के स्टूडेंट्स हैं मेरे पास तो उनको तो मतलब टेस्ट वगैरह मिल गए थे। तो और आपकी रूटीन कैसी चल रही है आजकल? आजकल तो बहुत बिजी चल रही है क्योंकि इतने ज़्यादा कोई 70-80 टेस्ट है मेरे, मैं आपको सिलेबस दिखाता हूं ये देखिए। कितने टेस्ट हैं अभी इसके साथ? 70-80 टेस्ट हैं टोटल अभी इसके साथ के ना, दो और हैं ये मतलब ये देखा है ज़रा। ये स्केजुअल है जी साइम का, इस्लामिक साइंस फाउंडेशन का, एक एक टेस्ट है तो इसके साथ और भी है दो पे जिसके वो घर पड़े। बेसिकली जो स्केजुअल टेस्ट होते हैं ना, क्योंकि बच्चों की तैयारी हमेशा टेस्ट से ही होती है, पूरा साल पढ़ते रहें अगर वो टेस्ट नहीं देंगे तो उनकी तैयारी नहीं होगी, तो स्केजुअल टेस्ट स्कूल वाले लेते हैं। स्पेशली जो इस्लामिक साइंस फाउंडेशन है बहुत अच्छा स्कूल है और उनका रिजल्ट भी बड़ा अच्छा है और पढ़ाने का तरीका भी और स्टडी भी बड़ी अच्छी है, तो ये स्केजुअल टेस्ट रखते हैं बच्चों के 2-3 माह, तो वो डेली बेसिस पे एक एक चैप्टर का हर सब्जेक्ट का होता है और बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है इसका, और इसका बड़ा फ़ायदा भी होता है, बच्चों की तैयारी भी बड़ी अच्छी हो जाती है। तो पता नहीं साइम की तैयारी किस तरह की है। हाँ जी साइम टेस्ट सही हो रहे हैं ना? जी सही। तो हमारी इज्जत होगी कि नहीं? होगी। हमारा नाक ना कटवाना आप? होगी आपकी इज्जत होगी। सही है। तो आए इब्राहिम से बात करते हैं, वो भी कोई होमवर्क कर रहे हैं। हाँ जी इब्राहिम साहब क्या हाल है? ठीक हूँ सर। क्या कर रहे हैं आज आप? कुछ भी नहीं, होमवर्क कर रहा था। होमवर्क कर रहा था क्योंकि इब्राहिम को सैटरडे संडे ऑफ होता है तो कल इसकी डायरी कम्प्लीट हो गई थी तो आज इसका होमवर्क ही था, तो मैंने कहा आप होमवर्क कर लें। ऐसे ही है? हाँ जी। सही है। तो आज वाला व्लॉग देखा आपने? नहीं सर। क्यों? बिजी थे? चलें अब फ्री होके देखिएगा लाजमी। ठीक है। तो और कोई बात करना चाहेंगे आप? नहीं। क्यों? आज की रूटीन कैसी रही आपकी? अच्छी। तो आपकी जो बाइक दी हुई थी वो ले आए हो आपके? नहीं नहीं अभी नहीं। मैंने आपसे कहा सर आपके कल तक हो जाएगी तो आप ले आना, आप आज गए ही नहीं ना, आपने कॉल की। बेसिकली इब्राहिम की ना बाइक इसके अबू होते हैं सऊदीया, तो उन्होंने इलेक्ट्रिक बाइक इसकी भेजी थी चार्जिंग वाली, तो उसकी बैटरी का कोई इशू था तो मैंने किसी दोस्त है मेरे तो मैंने उससे बैटरी वगैरह ले गई थी, तो इनसे कहा था कि शॉप पे चले जाएंगे, शॉप पे बाइक दे आए थे तो मेरे ख्याल बाइक हो गई है लेकिन अब ये लेके नहीं आए, हो सकता है चलें कल चले जाएँ, कल जाके ले आना फिर आप बाइक। ठीक है सर। ये ना आपकी बाइक फिर आगे पीछे हो जाए। हाँ जी। तो हाँ जी साइम क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैंने कह रहा था आज आप बताया था कि इसके ख़त्म पर गए थे आप हमें। यार हमारे एक अजीज हैं उनकी ना वालदा की डेथ हो गई थी पिछले दिनों, तो महीना पहले, तो आज उनके 40वें का ख़त्म था, मैं उधर गया हुआ था इसलिए लेट हो गया, तो मैंने ना एक एक घंटा ट्यूशन आगे कर दी तो इस वजह से मैं लेट आया हूँ जी। यही पूछना था। सही है। तो आप भी ठीक है माशाल्लाह? जी अल्हम्दुलिल्लाह। पापा भी ठीक हैं? जी। हाँ जी इब्राहिम आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी सर आप इतना ऑडियंस इतना सपोर्ट कर रही है, उनको चाहिए ना कि सर के सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें।
हाँ जी बेटा, अल्लाह का शुक्र है सब्सक्राइबर मेरे बढ़ रहे हैं और जो है वो लोग सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, लेकिन अब जाहिर सी बात है टाइम लगता है हर एक चीज़ को, इतनी जल्दी मतलब नहीं आ जाते, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि मैंने एक मंथ में जो है वो 1200 प्लस सब्सक्राइबर मेरे हुए हैं, वॉच टाइम कम्प्लीट हुआ, चैनल मोनेटाइज हुआ, तो इतना जल्दी जो है वो मतलब आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, तो कोई नहीं, ये सारी आगे से भाइयों की स्टूडेंट्स की मेहनत है। तो कुछ कहना चाहेंगे? नहीं नहीं बस बस। हाँ जी ठीक है साइम, फिर जी ठीक है। चलें जी, मैं बस इनको पढ़ा के फ्री हो गया था, आखिरी 5 मिनट से 7 मिनट मैंने कहा चलें इनको व्लॉग में ले लें, तो अब निकलते हैं, नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो ऐड करते हैं। 3 hours later जी मैं बस अभी घर आया था, तो खाना शाना खाया, नादली सो गया, बस उसकी तबीयत बस इस तरह ही है, तो दुआ करें मौला पंचन पाक जो उसको जल्दी ठीक करें, सेहत तंदुरुस्ती दें, तो इंशाल्लाह आज थोड़े से व्लॉग में उसको सुबह लिया था मैंने, तो मैंने कहा चलें उसके साथ थोड़ा सा व्लॉग कर लें, बाकी ये है कि इंशाल्लाह जैसे बेहतर होगा तो उसको प्रॉपरली जो है वो व्लॉग में लेंगे, क्योंकि अभी उसकी तबीयत इस तरह की है कि वो ना इतना एक्टिव नहीं है, सुस्त है काफ़ी। बस अभी घर आया था, खाना शाना खाया, मैंने कहा चलें व्लॉग एंड करते हैं, तो कुछ थोड़ी सी गपशप हो जाए, तो कल संडे है, कल का दिन इंशाल्लाह काफ़ी व्लॉग इंटरेस्टिंग होगा, मैंने एक दोस्त है मेरे हाफिज़ नुमान साहब, उनकी तरफ जाना है, वो इधर रहते हैं एयरपोर्ट के पास ना, एयर एवेन्यू सिटी में, तो उनकी तरफ जाना, उनके साथ भी इंशाल्लाह गपशप करेंगे, कल संडे है, कल दो एक दो अकेडमीज भी पढ़ानी है, क्योंकि बीच में 3 छुट्टियां आ गई थी, तो एक दो बच्चों के पेपर हो रहे हैं, तो 2 से 3 होम ट्यूशन हैं जो मैंने कल पढ़ानी है, तो ये है कि मैंने कहा कुछ कोई एक दो अच्छी बात भी बीच में ऐड कर ली जाए कि बड़ों का एहतराम करना चाहिए और छोटों से शफकत से पेश आना चाहिए, तो इसमें ये एक लाइन है, लेकिन एक लाइन में बहुत बड़ी बात है कि बड़ों का एहतराम करें, छोटों से शफकत से पेश आएँ, जब बड़े छोटों पे शफकत करेंगे तो छोटे ऑटोमेटिकली बड़ों का एहतराम करते हैं, जब बड़ों ने छोटों पे शफकत का हाथ नहीं रखना या शफकत नहीं करनी तो छोटों ने भी बड़ों का जो है वो एहतराम नहीं करना, और आज के दौर में बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है, पहले दौर का सिस्टम और होता था कि बड़े ने जो कह दिया वो होना ही होता था, वो गलत भी हो तो अगर छोटे ने मतलब कुछ नहीं भी किया या कुछ किया है जो भी है उसको अगर कोई कुछ बड़ा कह भी देता तो कोई ऐसी बात नहीं सी होती, लेकिन आज के दौर में थोड़ा डिफरेंट है, तो काइंडली जो है वो बड़ों का एहतराम किया करें, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बड़ों का एहतराम करता हूँ, लेकिन जब बड़े जो है वो इस लेवल पे आ जाएं कि वो छोटों को कुछ समझें ना, उन पर शफकत ना करें, तो जाहिर सी बात है अपने हक़ के लिए जो है सब कुछ करना पड़ता है, क्योंकि कब्रिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे पड़े हुए हैं जो अपने हक़ के लिए जो है वो नहीं बोलते थे या नहीं लड़ते थे, तो मरना तो हमने सब ने ही है, बड़ों ने भी मरना है, छोटों ने भी, तो ये है कि इंसाफ करें और खुशबाश ज़िंदगी गुजारें, खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें, जब आप किसी की ज़िंदगी में खुशी लाएंगे तो अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में भी खुशी लेके आएगा, तो मैंने कहा चलें ये थोड़ी सी एक अच्छी बात देन में आ रही थी, मैंने कहा ऐड कर लें, तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी प्रेस किया करें, और कमेंट सेक्शन में बताया करें कि व्लॉग जो है वो किस तरह का लगता है, और तकरीबन 48% या 46% लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब करें और जितना हो सके आगे शेयर करें, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की मतलब दुआओं की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो क्योंकि जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे उतने व्यूज़ आएंगे और व्यूज़ पे जो है वो सारा काम होता है, तो बाकी ये कि इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।